exploring Sukanta Thali. Our thali has been served and it looks huge. So सबसे पहले यहाँ पे आया है, I think welcome drink है ये. And उसके साथ उन्होंने दिया है ये एक envelope जिसके अंदर I think spoons है. Yes, spoons and some tissues they have served us. Plus, I think this is a mouth freshener जो हम बाद में खाएंगे. ओके, तो ये जो थाली है, as I can see, इसमें स्टार्टर्स है एंड फिर तीन टाइप की वेज सब्जीज है, वन दाल, वन कढ़ी एंड टू टाइप्स ऑफ स्वीट्स. उसके साथ सैलड वगैरह भी सर्व हुआ है. एंड यहाँ पे मैंने एक्चुअली, दिस इज समथिंग कॉल्ड पूडा. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेलकम ड्रिंक फर्स्ट. ये मेरे को कैरी पानी जैसा लग रहा है. लेट्स टेस्ट इट. रिफ्रेशिंग मिंट, पुदीना और उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी बूंदी भी डाली है. पानी पूरी का पानी टाइप लग रहा है, जल जीरा वाटर समथिंग लाइक दैट. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग. सो अभी ये हम लोग ये वेज लॉलीपॉप जो यहाँ पे स्टार्टर्स में आया है वो चेक करते हैं. आई थिंक ये वेज लॉलीपॉप के ऊपर ना कोई तो भी सॉस लगाया हुआ है. इट्स नाइस. इसमें एक्सपेक्टिंग सम चॉप्ड वेजिटेबल्स बट इसमें मेरे को ज़्यादा आलू लग रहा है. एंड इट्स नाइस बट इट इज़ नॉट द बेस्ट वेज लॉलीपॉप आई हैव हैड. नेक्स्ट आई विल बी ट्राइंग दिस दही वड़ा. लेट्स ब्रेक इट थ्रू. बहुत अच्छी क्वांटिटी में दही यूज़ किया है. लेट्स चेक हाउ इट इज़. जो फर्स्ट मेरे को यू नो फ्लेवर आया ना, दैट वॉज ऑफ इलायची. एंड वड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. जो दही जो है दैट इज़ नॉट टू खट्टा, स्लाइटली ऑन द स्वीटर एंड. एंड दे हैव टॉप सम रेड चिली, थोड़ा सा रेड चिली छिड़का है विथ कोरिएंडर ऑन इट. सो द नेक्स्ट डिश आई एम एक्साइटेड टू ट्राई फॉर इज दिस हुडा. सो ये जो हुडा है ना, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ स्टार्टर और स्नैक्स इन एनी वेज थाली. और ये बहुत रेयर डिश है एंड बहुत ऑथेंटिक डिश है ये. सो लेट्स चेक दिस हुडा आउट. इसमें ना उन्होंने आई थिंक कोकोनट को ग्रेट करके डाले हुआ है थोड़ा सा. यस, कोकोनट है. हल्का सा ड्राई है बट आई डोंट हैव, आई एम नॉट ईटन सो मेनी हुडा टाइप्स. I don't know exactly how this tastes, but this is tasting very nice. यहाँ पे जो मेन कोर्स है वहाँ पे ये बाजरे की भाकरी एंड विथ सम गुड़ एंड दही दिया है. तो ये हम बाद में ट्राई करेंगे. पहले जो यहाँ पे सारी वेज डिशेस आई हुई है, वेज सब्जीज और ग्रेवीज आई हुई है, लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो रोटी में ब्रेड्स में इन्होंने सर्व किया है पालक पूरी, दिस फुलका जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा घी डाला था, एंड दिस बाजरी की भाकरी विथ सम गुड़ ऑन इट. सो पहले मैं ये रोटी को, दिस इज पनीर बटर मसाला. सो आई एम जस्ट टेस्टिंग इट. ओ दिस पनीर लुक्स सॉफ्ट मैन. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी नॉट स्पाइसी बिकॉज दिस इज पनीर बटर मसाला. दिस पनीर बटर मसाला इज नॉट सो स्वीट बट ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है. इसमें ऑनियन टमाटो बेस्ड ग्रेवी यूज़ की गई है, कोरिएंडर है, कुछ मसालेज है, बट द मसालाज आर नॉट ओवर पावरिंग. नेक्स्ट आई विल बी गोइंग विद दिस पूरी. पालक पूरी तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन लग रही है, दैट वाइब्रेंट ग्रीन कलर मैन. एंड द नेक्स्ट सब्जी विच इज सर्व्ड हियर इज दिस नवरत्न कुरमा. ये एक टाइप ऑफ मिक्स वेज यू कैन सी बिकॉज आई कैन सी बीन्स है, इसमें मटर है, गोभी है. आई पर्सनली डोंट लाइक सब्जीज ऑन द स्वीटर एंड एंड आई एम वेरी इम्प्रेस कि मेरी दोनों भी जो सब्जी थी वो मीठी नहीं थी बिकॉज आई एम अ प्रॉपर महाराष्ट्रियन एंड वी लाइक स्पाइसी फूड. तो ये सब्जी भी बहुत टेस्टी है. इसमें इट्स अ मिक्स वेजिटेबल यू कैन सी बट दे हैव एडेड देयर ट्विस्ट टू इट. बीन्स है, बहुत सारी सब्जियाँ हैं. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग विद दिस आलू अनियन. इसमें मेरे को अनियन तो दिख रहा है बट आई थिंक आलू नहीं है इसमें. Hmm.
टेक वन मोर बाइट. लॉट्स ऑफ कोरिएंडर. जो पहला ऐसा हिंट आया ना वो फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर का इसमें यूज हुआ है. अनियंस बहुत अच्छे से कुक हुए हैं. तो नेक्स्ट यहाँ पे है ये भिंडी. सो दिस इज आई कैन सी अनियंस इन इट. हल्का सा उसमें अच्छा सा तड़का मारे हुआ है. दिस इज अ सिंपल वेज भिंडी की सब्जी विद लॉट ऑफ फ्लेवर्स यू कैन से. वाओ मैन. एक चीज़ है, इनके ग्रेवीज में जो सारी सब्जियाँ हैं ना सबकी टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है. कंसीडर पनीर, कंसीडर दैट वेज, मिक्स वेज एंड आलू मटर, आलू ऑनियन, सबकी टेस्ट अलग अलग है एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट. सो कढ़ीज में दे हैव सर्व दिस मारवाड़ी कढ़ी जिसको मैं ऐसी स्पून के साथ खाना चाहूँगी. नहीं भैया थैंक यू. मस्त सा खट्टापन है उसमें. इसमें इसको राई का तड़का यूज़ किया गया है, राई का तड़का दिया है, कोरिएंडर वगैरह भी है एंड इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है एंड इट्स क्वाइट टेस्टी. इसको राइस के साथ खाने में मज़ा आएगा. सो राइस में वेराइटीज ऑफ राइस मैंने सर्व किया है, नॉर्मल वाइट राइस एंड दिस इज़ मसाला राइस. तो सबसे पहले हम जो दाल है दाल को खाते हैं विद दिस राइस एंड दे हैव टॉप्ड वन बिग स्पून ऑफ यू नो घी ऑन दिस राइस. लेट्स डिग इनटू इट. दिस दाल इज अ सिंपली प्रिपेयर्ड दाल. तड़का इसमें राई का तड़का लगाया है एंड टमाटोज है. दाल इज गिविंग मी अ होमली फीलिंग. मुझे ये मसाला राइस आया है फाइव इट्स इन नाइस ग्रीन कलर. इन दिस मसाला राइस दे हैव एडेड ग्रेटेड कोकोनट है इसमें. सो दिस बाजरी भाकरी दिस गुड. कम्फर्ट फूड यू कैन से फॉर मैनी पीपल. बहुत लोगों को ऐसी रोटी के साथ या फिर भाकरी के साथ गुड़ खाने में बड़ा मज़ा आता है. सो दिस इज़ अ कम्फर्ट फूड. नाउ इज़ द टाइम फॉर डेजर्ट. तो डेजर्ट में दे हैव सर्व दिस सीताफल रबड़ी. सीताफल रबड़ी एंड दिस इज अंजीर रोल. सो आई विल स्टार्ट विद दिस अंजीर रोल फर्स्ट. यू डेफिनेटली गेट द टेस्ट ऑफ अंजीर इन इट. मिठाई नॉट सो स्वीट. नाउ लेट्स गो विद द लास्ट. मैन आई जस्ट कांट स्टॉप ईटिंग इट. मेरे लिए इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि इट इज नॉट सो 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 स्वीट. I'm not a you know sweet person. I like my food to be spicy. जो सीताफल के चंक्स हैं वो भी हैं. So overall I love this thali. You know I was not expecting it to be this good, but yeah I loved it. So now I'll be enjoying and completing my thali. So I'll see you later. I was expecting this water to be warm and it is warm. यहाँ तक खाना खा लिया है. बापरे वॉज वेरी यम्मी, वेरी टेस्टी एंड प्राइस के हिसाब से वर्थ इट. एक्चुअली थाली का जो ट्रेडिशन है ना, सो इसका ये अच्छी चीज़ है कि यू नो इन 400 रुपीज़ यू गेट ए कम्प्लीट मील, स्टार्टर्स, डेजर्ट, मेन कोर्स वगैरह एंड आई लव द सब्जीज. इट वॉज अ वेरी नाइस संडे लंच फॉर मी. आई हैड अ ग्रेट टाइम. Hope you liked our video and do let us know that if any other restaurant you want us to review, we would like to explore it. That's it for today. Thank you. Dhokla. सकाळच्या नाश्त्यात किंवा अगदी जेवणाप्रमाणे सुद्धा खाल्ला जाणारा हा ढोकळा.
हा ढोकळा तांदूळ आणि चणा डाळीच्या आंबवलेल्या मिश्रणापासून बनवला जातो आणि चटणीसोबत या ढोकळ्याचा आस्वाद घेतला जातो. सोबतच शेव, कोथिंबीर, खोबरं यांची सजावट या ढोकळ्यावर पेरली जाते. आपल्या पुण्यातल्या MG रोडवर असलेलं 1977 सुरू झालेलं महालक्ष्मी खमण ढोकळा, खमण ढोकळा ही स्पेशालिटी असलेलं हे शॉप, इथली कच्ची दाबेली सुद्धा बरीच फेमस आहे. Everyone, I'm here eating this dhokla after 25 years and it is still the same. It's amazing. You all should come and visit. पुण्यातले कित्येक जण असे आहेत की जे लहानपणी यांच्याकडे यायचे आणि आजही यांच्या पदार्थांचे चाहते आहेत. तेव्हा खमण ढोकळा कच्ची दाबेली सोबतच बाकीच्या पदार्थांची असल टेस्ट घ्यायला नक्की या. महालक्ष्मी ढोकळा, MG रोड, पुणे. Hello guys, as you all know, any time is a chai time because chai keeps you refresh all the time. लेकिन अगर चाय के साथ कुछ कॉम्बिनेशन हो तो चाय का स्वाद ही बढ़िया बन जाए. क्या क्या लिया जा सकता है चाय के साथ? टोस्ट, बिस्किट्स, और अगर बनबस का विथ चाय कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस करना चाहो तो आपको यही इसी जगह आना होगा जिसका नाम है वोहमन कैफे. सो लेट्स एक्सपीरियंस स्वाद भरी चाय विथ मक्खन वाला बन विथ वोहमन कैफे. कम We have lots of historical places where Woman Cafe is also one of its part. From 1978, Woman Cafe is buttering the historic Pune. From that era, Woman Cafe has continued their bun butter tradition till date. Started by one of jolly person that is Homer Sirani and it's situated near Jayagir Hospital of Pune. It has become daily life part of Punekar. It has also became a friendship destination where you can get all your friends together and share some cheesy bun and make your relation strong. People can enjoy all day long breakfast and chit chat with your friends or family. Bun Maska is an identity of Woman Cafe. Bun with Maska is like hum bane tum bane ek dooje ke liye. It's mesmerizing to watch the maska layer application on spongy bun. Bun maska is incomplete without toast and Irani chai. You can get different types of taste in toast, like toast butter jam, or sometimes toast butter cheese. जैसे कुछ चीजों के बिना जिंदगी अधूरी रह जाती है, वैसे ही वोहमन कैफे ईरानी चाय के बिना अधूरा है. Guys, taste of this chai and bun maska is really awesome. Aur agar aap chai deewane ho to specially you must visit this place because ye jo chai ka combination hai with this bun maska is really awesome. So do visit Woman Cafe. We want to Pune, we have a Pune karom kar, hum Pune se. Today we are going to have a mouth watering journey of same corner. Thank you.
कसं काय पुणे, दिस इज मी भाजवती गोस्वामी फ्रॉम पुणे शोर अँड टुडे आय एम एट पुना फूड ट्रक व्हिच इज व्हेरी पॉप्युलर फूड जॉइंट ऑन एसबी रोड. And this place is very famous for Italian food and today I am having white sauce pasta. The service is so quick and efficient and also prices are so affordable. So if you are craving for some Italian food, this is the perfect place for you. And let us know your experience in comment section below. I just can't resist myself. So let's see how does this taste. And by the way, if you are supposed to know about how this Bedekar Misal emerged and flourished, then in that case, I'll tell you a story. This started in 1947. First, they used to serve only tea. And later, in 1954, they started serving misal. And since then, it is so famous. I'm eating this. Amazing. It is the perfect mixture of spice content. He tastes jar asal puneri bhashet bolayla gele tar ekach number. This was all about my misal story. How about yours? Comment it in the section below. Hi guys, this is Prince Sumit aur aaj hamare paas hai sirf 10 rupaye aur 10 rupaye ke budget mein hame dekhna hai ki Pune mein kya khane ko milega. Itni badi city mein aapko lagta hai kuch khane ko milega 10 rupaye mein? छोटा सा बजट लेके मैं तो निकल गया अपने सफर पर ये ढूंढने कि इस बजट में मैं क्या खा सकता हूँ. बहुत देर घूमा, फाइनली मेरी तलाश जाके खत्म हो नॉर्थ ब्रह्मा 80. यस, यही एक स्पॉट है जहाँ पे आपको 10 रुपए में इडली, चटनी और सांभर, ये तीनों मिलेंगे.
वेट वेट वेट, अगर आप सोच रहे हो कि 10 रुपए में आपको ये वाली प्लेट मिलने वाली है, आई एम सो सॉरी, आपको ये नहीं बल्कि मिलेगी ये वाली। अब मुझे इनका टेस्ट अच्छा लगा तो मैंने दूसरी वाली प्लेट ले ली जिसका कॉस्ट मुझे 30 रुपीज़ होता है। सीरियसली इनका टेस्ट कॉस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इडली सांभर खाना हो तो आप नाथ ब्रह्म इडली पर विजिट कर सकते हो। इडली खाने के बाद जो दूसरी चीज़ मैंने ट्राई की थी वो था समोसा। यस, एट द प्राइस ऑफ 10 रुपीज़ मुझे सिटी समोसा पर एकदम गर्मा गर्म कुरकुरा समोसा मिल गया। अगर आपको भी समोसा खाना हो तो आप जा सकते हो सिटी समोसा पे, स्टार्टिंग प्राइस इनकी 10 रुपये है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। तुम्हाला ऑथेंटिक चाट ट्राय करा असेल पुण्यामध्ये तर तुम्ही प्लीज आमच्या शॉपवरती विजिट करा आणि पुणे शोला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा।